गाइज मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूँ एक नया एनिमे। हाँ यह एनिमे पुराना हो चुका है पर मुझे यकीन है कि यह आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर तैयार होकर कहीं जा रहा होता है। वहीं वह बोल रहा होता है कि मुझे अपने घर से बाहर निकलना बिल्कुल भी पसंद नहीं, पर आज मुझे एक लिमिटेड एडिशन MMORPG गेम के बारे में पता चला जिसे खरीदने में मैं देर नहीं करना चाहता हूँ। अब 5 घंटे के बाद वह उस गेम को खरीदकर वापस अपने घर आ जाता है, जिसके बाद वह बस से उतरकर अपने घर की ओर जाने लगता है। तभी उसे रास्ते में एक लड़की दिखाई देती है जिसे देखकर वह सोचने लगता है यह लड़की तो मेरे हाई स्कूल में पढ़ती है। और अब वह जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है एक ट्रक उस लड़की को हिट करने वाला होता है। अब यह देखते ही वह काफी तेजी से भागते हुए उस लड़की को ट्रक के सामने से धक्का दे देता है। अब उसकी आंख खुलती है तो वह एक कुर्सी पर बैठा हुआ होता है, वहीं उसके सामने एक खाली कुर्सी रखी हुई होती है जिसे देखकर वह सोचने लगता है मैंने आज के ही दिन यहाँ पर हीरो बनने का डिसाइड क्यों किया। तभी उसके पास एक लड़की आते हुए बोलती है काजुमा साटो तुम्हारा यहाँ पर स्वागत है, अभी थोड़ी ही देर पहले तुम मर गए। यह सुनकर काजुमा को बुरा लगता है। तभी वह उससे पूछता है कि तो मैंने वहां पर उस लड़की को बचाया था, उस लड़की का क्या हुआ। अब गॉडेस बोलती है वह लड़की बिल्कुल ठीक है, जो सुनकर काजुमा को काफी खुशी होती है और वह बोलता है कि यह अच्छी बात है कि मैं यहाँ पर किसी की जान बचा पाया। तभी गॉडेस काजुमा को बताती है कि अगर काजुमा ने उस लड़की को धक्का नहीं दिया होता तब भी उस लड़की को कुछ नहीं होता। यह सुनकर काजुमा बोलता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, जिस पर गॉडेस उसे बताती है कि एक छोटे से ट्रैक्टर से टकराने पर भी उस लड़की को वहां पर कुछ नहीं होता। वैसे भी वह ट्रैक्टर काफी ज्यादा स्लो चल रहा था। यह सुनकर काजुमा को कुछ भी समझ में नहीं आता है और वह बोलता है तो क्या वह कोई ट्रैक्टर था, मुझे तो लगा कि वह एक ट्रक था। गॉडेस हमें जवाब देती है। तभी काजुमा बोलता है तो आखिर उस ट्रैक्टर से टकराकर मैं कैसे मारा गया। गॉडेस उसे बताती है कि काजुमा ट्रैक्टर से टकराया ही नहीं बल्कि वह हार्ट अटैक से मर गया, उसे लगा कि वह एक ट्रक से टकराने वाला है। और अब गॉडेस बोलती है कि काजुमा आज तक की सबसे गंदी मौत मरा है। वहीं वह बहुत बुरी तरीके से हंस रही होती है जो देखकर काजुमा को गुस्सा आ रहा होता है। और अब गॉडेस उसे बताती है कि काजुमा मरने से पहले इतना डर गया था कि उसने अपनी पैंट गीली कर ली, जिसके बाद सभी लोग उसे उठाकर हॉस्पिटल ले गए। पर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स भी काजुमा की हालत देखकर हंस हंस के पागल हो गए और वहीं पर काजुमा मारा गया, जिसके बाद काजुमा के पेरेंट्स हॉस्पिटल पहुंचे और फिर डॉक्टर्स ने उन्हें काजुमा के बारे में बताया। यह सुनकर काजुमा के फैमिली मेंबर्स भी बुरी तरीके से हंस रहे थे। फिर गॉडेस बोलती है तुमने अपनी पूरी लाइफ एक भी अच्छा काम नहीं किया पर तुम्हारे मरने के तरीके से लोग काफी ज्यादा हंसे हैं, तो मैं गॉडेस एक्वा तुम्हें यहाँ पर 2 ऑप्शन देती हूँ, या तो तुम हेवन में चले जाओ या फिर दोबारा से अर्थ पर जन्म लो। पर हेवन चुनने से पहले मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहती हूँ, हेवन के बारे में तुम लोग जैसा सोचते हो हेवन बिल्कुल भी वैसा नहीं है, वहाँ पर कोई भी इंटरेस्टिंग चीज नहीं है और उस जगह पर तुम टीवी भी नहीं देख सकते हो। और सच्चाई तो यह है कि हेवन में तुम अकेले एक जगह पर बैठे सूरज को उगते और ढलते हुए ही देख सकते हो और वहाँ पर इसके अलावा कोई इंटरेस्टिंग काम नहीं है, और अर्थ पर दोबारा से जन्म लेना भी एक बोरिंग काम है। तो मेरे पास यहाँ पर तुम्हारे लिए एक तीसरा ऑप्शन है, मुझे जहाँ तक पता है तुम्हें गेम्स काफी ज्यादा पसंद है, तो तुम एक ऐसे वर्ल्ड में जा सकते हो जिस वर्ल्ड पर डीमन किंग का कब्जा है। वहाँ हर जगह मॉन्स्टर्स भरे हुए हैं और वहाँ की मासूम जनता एक जगह पर फंसी हुई है, तो फिर तुम उस वर्ल्ड में जाकर डीमन किंग को हराकर वहाँ के हीरो बन सकते हो। और उस वर्ल्ड में धीरे धीरे इंसानों की जनसंख्या कम होती जा रही है क्योंकि कोई भी उस वर्ल्ड में रिकार्नेट नहीं होना चाहता है। तो फिर अगर तुम उस वर्ल्ड में जाने के लिए तैयार हो जाओ तो हम तुम्हें तुम्हारी पुरानी मेमोरी के साथ उस वर्ल्ड में भेजेंगे, साथ ही साथ तुम अपने साथ कोई भी चीज लेकर जा सकते हो, कोई पावरफुल वेपन या फिर कोई खतरनाक सा स्पेल। काजुमा बोलता है अगर वह जगह इतनी ही खतरनाक है तो वहाँ पर जाते के साथ ही मैं मर जाऊंगा, तो आखिर तुम मुझे वहाँ पर क्यों भेजना चाहती हो। एक्वा बोलती है तुम अपने साथ काफी पावरफुल वेपन लेकर जा सकते हो जिसके यूज से तुम जल्द ही वहाँ पर अपनी पावर को बढ़ा लोगे, जिसके बाद डीमन किंग को मार कर तुम वहाँ के हीरो बन जाओगे। काजुमा बोलता है पर आखिर मैं वहाँ की लैंग्वेज को कैसे समझूंगा। एक्वा बोलती है उसके लिए तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं,
हम तुम्हारे ब्रेन में वह सब कुछ प्रोग्राम कर देंगे। और अब एक्वा काजुमा को कई सारे वेपन्स और स्किल्स की लिस्ट देते हुए उनमें से किसी एक को चुनने के लिए बोलती है, जिसे देखते ही काजुमा उन सभी स्किल्स और वेपन्स को देखने लगता है, पर उनमें से उसे कोई भी पसंद नहीं आ रहा होता है क्योंकि उसने आज तक कई हजारों गेम्स खेले हैं। इसी वजह से उसे वेपन्स और स्किल्स की काफी अच्छी नॉलेज है। दूसरी ओर एक्वा उसे सब काम जल्दी जल्दी करने के लिए बोल रही होती है, वहीं वह उसकी बेइज्जती करते हुए बोल रही होती है कि आखिर तुम्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है, वैसे भी मुझे पता है तुम उस वर्ल्ड में जाकर कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम एक बेकार ओटाकू हो और तुम्हें गेम खेलने के अलावा और कुछ नहीं आता है। अब काजुमा बोलता है, तो तुम चाहती हो कि मैं यहाँ पर अपना काम जल्दी से खत्म करूँ और तुम्हारे हिसाब से मैं अपने साथ उस वर्ल्ड में किसी भी चीज को ले जा सकता हूँ। एक्वा हाँ में जवाब देती है। तभी काजुमा चिल्लाते हुए बोलता है, तो फिर ठीक है, मैं अपने साथ उस वर्ल्ड में तुम्हें लेकर जाना चाहता हूँ। और अब एक्वा बिना सुने उसकी इच्छा पूरी करने को तैयार हो जाती है। और तभी वह बोलती है, अभी तुमने क्या कहा। तभी वहाँ पर एक दूसरी गॉडेस आते हुए बोलती है, मास्टर आपकी गैर मौजूदगी में मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूंगी। अब यह सुनकर एक्वा रोने लगती है और बोलने लगती है कि उसके साथ ऐसा नहीं हो सकता, वह एक गॉडेस है, तो आखिर वह उस वर्ल्ड में जाकर क्या करेगी। और तो और उसके पास हीलिंग मैजिक के अलावा और कोई स्पेल भी नहीं है, तो वह उस वर्ल्ड में सर्वाइव नहीं कर पाएगी। दूसरी ओर उसकी हालत देखकर काजुमा खुश होते हुए बोलता है, अब तुम्हें समझ में आएगा, तुम्हें बिना सोचे समझे किसी की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। और अब वह गॉडेस एक्वा को काजुमा के साथ टेलीपोर्ट करते हुए बोलती है, अगर काजुमा ने उस वर्ल्ड में जाकर डीमन किंग को हरा दिया तो गॉड काजुमा की कोई भी इच्छा पूरी करेंगे। यह सुनकर काजुमा काफी ज्यादा खुश होता है और अब वह दोनों टेलीपोर्ट होकर उस वर्ल्ड में आ जाते हैं। वहीं काजुमा उस वर्ल्ड को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और बोल रहा होता है कि क्या मैं यहाँ पर MMORPG गेम की तरह मैजिक का यूज कर सकता हूँ और मॉन्स्टर्स के साथ फाइट कर सकता हूँ। दूसरी ओर एक्वा काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है, जिसे देखकर काजुमा बोलता है, पागलों जैसी हरकतें करना बंद करो वरना सभी लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। जिसके बाद वह एक्साइटेड होते हुए बोलता है, तो हम इस वर्ल्ड में आ चुके हैं, तो क्या तुम मुझे अभी कोई वेपन देने वाली हो, और मुझे एक पावरफुल आर्मर भी चाहिए क्योंकि अभी भी मैं अपने ट्रैक सूट में ही हूँ और इस ट्रैक सूट को पहनकर मैं किसी भी मॉन्स्टर को नहीं हरा सकता हूँ। तभी एक्वा वहाँ पर काजुमा का गला दबाने लगती है। यह देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग डर जाते हैं। तभी काजुमा उसे खुद से दूर करते हुए बोलता है, आखिर तुम इतने गुस्से में क्यों हो, अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं चलना तो तुम यहाँ से जा सकती हो, मैं खुद को यहाँ पर संभाल लूंगा। यह सुनकर एक्वा बोलती है, क्या तुमने यहाँ आने से पहले उस गॉडेस की बात नहीं सुनी, जब तक हम डीमन किंग को नहीं हरा देते हैं तब तक मैं यहाँ से वापस नहीं जा सकती। काजुमा बोलता है, आखिर तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो, हमें बस यहाँ पर एक पावरफुल गिल्ड को ज्वाइन करना है जिसके बाद हम थोड़ी सी ट्रेनिंग करके काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे और फिर काफी आसानी से डीमन किंग को भी हरा देंगे। और तो और तुमने ही मुझसे कहा था कि यह एक RPG गेम की तरह है, तो मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूंगा। अब वह दोनों एडवेंचरर्स गिल्ड को ढूंढने लगते हैं। अब काजुमा बोलता है, तुम तो एक गॉड हो तो तुम्हें यह बात तो पता ही होगी कि इस वर्ल्ड का सबसे पावरफुल एडवेंचर गिल्ड कौन सा है, मुझे बताओ, हम उसे ही ज्वाइन करेंगे जिससे हम काफी जल्दी पावरफुल बन जाएंगे। एक्वा बोलती है, उसे इस बारे में कुछ नहीं पता क्योंकि उसने कभी भी इस वर्ल्ड पर ध्यान नहीं दिया। जिसके बाद वह दोनों जैसे तैसे करके एक एडवेंचरर गिल्ड को ढूंढ लेते हैं। अब वह उसके अंदर जाते हैं, तभी वहाँ खड़ी लड़की बोलती है, अगर तुम यहाँ पर खाना खाने के लिए आए हो तो किसी भी टेबल पर जाकर बैठ जाओ और अगर तुम्हें रजिस्ट्रेशन करना है तो तुम उस कॉर्नर में जा सकते हो। तभी एक पर्सन काजुमा को देखते हुए बोलता है, आज से पहले मैंने तुम्हें यहाँ पर कभी नहीं देखा और तुम्हारे कपड़े इतने अजीब क्यों हैं। तभी काजुमा उसके पास जाते हुए बोलता है, मैं यहाँ पर नया नया आया हूँ और मैं जल्द ही इस जगह का सबसे पावरफुल वॉरियर बनकर डीमन किंग को हराऊंगा। यह सुनकर वह पर्सन हंसते हुए बोलता है, तुम्हारा हमारे गिल्ड में स्वागत है, तो तुम वहाँ पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। अब काजुमा के बात करने के तरीके को देखकर एक्वा उसे बोलती है, तुम तो कोई इंट्रोवर्ट नहीं हो और तुम्हें यहाँ पर काफी अच्छी तरीके से बात करना आता है, तो आखिर अब तक तुम अपने आप को खुद को एक कमरे में बंद करके ओटाकू क्यों बने हुए थे। काजुमा बोलता है, अपना मुंह बंद रखो, तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं पता। जिसके बाद वह एक विंडो पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आता है और अब वह उस विंडो पर खड़ी लड़की से रजिस्ट्रेशन करने के तरीके के बारे में पूछता है, जिस पर वह लड़की उसे बताती है कि काजुमा रजिस्ट्रेशन फीस को जमा करके इस गिल्ड का एडवेंचरर बन सकता है, पर वहाँ पर काजुमा और एक्वा के पास एक भी रुपया नहीं होता है।
इसीलिए वह रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं और अब वह साइड में आकर एक टेबल पर बैठ जाते हैं। अब काफी टाइम बीतने के बाद भी उनके दिमाग में कोई भी आइडिया नहीं आता है। अब काजुमा बोलता है, तो अब हम यहाँ पर क्या करें, हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास रजिस्ट्रेशन करने के लिए पैसे ही नहीं है, और अगर हम लोग यहाँ पर आने ही वाले थे तो तुम्हें मुझे एक वेपन और कुछ पैसे तो देने ही चाहिए थे। एक्वा बोलती है, अभी तो तुम बहुत ही ज्यादा स्मार्ट बन रहे थे तो कोई आइडिया क्यों नहीं निकालते। जिसके बाद वह खड़े होते हुए बोलती है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूंगी। और अब वह वहाँ से थोड़ी दूर पर बैठे हुए एक प्रीस्ट के पास जाते हुए बोलती है कि वह गॉडेस एक्वा है और एक्स रिलीजन के सभी लोग उसे वर्शिप करते हैं, तो क्या तुम मेरे कोई फॉलोअर हो, और अगर हाँ तो क्या तुम मुझे यहाँ पर थोड़े पैसे दे सकते हो। तभी वह प्रीस्ट बोलता है, वह एरिस रिलीजन का फॉलोअर है, जो सुनकर एक्वा उदास हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी वह प्रीस्ट एक्वा को रोकते हुए बोलता है, अभी तुमने कहा कि तुम एक्सिस रिलीजन की गॉडेस हो, और जहाँ तक मुझे पता है हमारे रूल्स के हिसाब से हमारी गॉडेस एरिस गॉडेस एक्वा के अंडर आती है और वह उसकी जूनियर है, और मैंने थोड़ी देर पहले देखा कि गिल्ड में रजिस्ट्रेशन करने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पैसे देने को तैयार हूँ। और अब वह एक्वा को कुछ पैसे दे देता है, जिससे एक्वा को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, पर वह उस पैसे को लेकर रजिस्ट्रेशन फीस जमा करने के लिए आती है। अब वह दोनों वहां पर रजिस्ट्रेशन करते हैं। तभी वह लड़की उन दोनों को बताती है कि इस वर्ल्ड में एडवेंचरर्स की पोस्ट काफी ज्यादा हाई होती है, पर यह सब कुछ उनके लेवल्स पर डिपेंड करता है और यह तुम्हारे एडवेंचरर कार्ड पर शो होता है, और जैसे जैसे तुम मॉन्स्टर्स को मारकर पावरफुल बनते चले जाओगे वैसे वैसे तुम्हारा लेवल्स इंक्रीज होता चला जाएगा और यह तुम्हारे एडवेंचरर कार्ड पर शो होगा। जिसके बाद वह काजुमा के स्टैट्स को चेक करने के लिए उसे एक क्रिस्टल पर हाथ रखने को बोलती है। अब काजुमा उस क्रिस्टल पर हाथ रखता है और सोचने लगता है कि वह एक इसकाई वर्ल्ड में आया है और खुद गॉडेस ने उसे यहाँ पर समन किया है, तो उसके पास काफी ज्यादा पावर होगी। तभी वह लड़की काजुमा को बताती है कि काजुमा यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कमजोर है और उसके स्टैट्स किसी नॉर्मल इंसान से भी काफी ज्यादा कम है, पर इसके बावजूद उसके पास काफी ज्यादा इंटेलिजेंस और लक है। और अब वह काजुमा को सजेस्ट करती है कि उसे यहाँ पर एडवेंचरर ना बनकर एक व्यापारी बनना चाहिए, जिससे उसे काफी ज्यादा फायदा होगा। वहीं यह सब सुनकर एक्वा हंस रही होती है। तभी काजुमा बोलता है, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं यहाँ पर एक एडवेंचरर ही बनना चाहता हूँ। अब एक्वा आगे जाकर उस क्रिस्टल पर हाथ रखती है, जिसके बाद वह लड़की उसके स्टैट्स के बारे में बताते हुए बोलती है कि एक्वा के स्टैट्स यहाँ पर काफी ज्यादा हाई है और वह बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, पर उसका इंटेलिजेंस माइनस में है और वह बहुत ही ज्यादा अनलकी है। अब वह लड़की बोलती है कि एक्वा यहाँ पर मेज को छोड़कर जो चाहे वह बन सकती है, क्योंकि मेज बनने के लिए ज्यादा इंटेलिजेंस की जरूरत होती है। अब यह सुनकर एक्वा वहाँ पर एक प्रीस्ट बनने का डिसाइड करती है, क्योंकि उसके पास हीलिंग मैजिक के अलावा और कोई दूसरा मैजिक नहीं है। अब वहाँ पर एक्वा के स्टैट्स को देखकर गिल्ड के सभी मेंबर्स काफी ज्यादा खुश होते हैं और वह लोग लगातार एक्वा की तारीफ करने लगते हैं। वहीं खड़ा काजुमा यह सब कुछ देख रहा होता है और अब वह बोलता है, आखिर इस एनिमे का मेन कैरेक्टर मैं हूँ या फिर एक्वा। खैर छोड़ो, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, वैसे भी हमारे क्रिएटर ने ही हमें इतना बुरा बनाया है, तो अब हम दोनों यहाँ पर एडवेंचरर्स बन चुके हैं, तो आगे यहाँ से हमारा एडवेंचर स्टार्ट होगा। अब दिखाया जाता है कि अगले दिन से काजुमा एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी का काम करने लगता है। वहीं वह बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है, पर वह मजदूरी करने में काफी ज्यादा मेहनत करता है। साथ ही साथ उसने एक अस्टेबल में अपने रहने की जगह भी ले ली होती है और अब वह रोज मजदूरी करता है, उससे मिले पैसों से खाना खाता है और अस्टेबल में जाकर सो जाता है। वहीं उसके किए गए सभी काम की सावासी एक्वा ले जाती है और अब उनके डेली का यही रूटीन बन जाता है। अब एक दिन सोते सोते काजुमा को याद आता है कि वह इस वर्ल्ड में एक पावरफुल एडवेंचरर बनकर डीमन किंग को हराने के लिए आया था, तो आखिर वह यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी एक्वा उठते हुए बोलती है, आखिर तुम नींद में क्या बुदबुदा रहे हो, अपना मुंह बंद करके आराम से सो जाओ। काजुमा बोलते हैं, हम तो भूल ही गए कि हम यहाँ पर क्या करने के लिए आए थे। एक्वा बोलती है, हम इस बारे में कल बात करेंगे। अब हमें दिखाया जाता है कि एक्वा और काजुमा मजदूरी करते हुए वहाँ पर बात कर रहे होते हैं। वहीं पर काजुमा बोल रहा होता है, हम दोनों इस वर्ल्ड में मजदूरी करने के लिए नहीं बल्कि डीमन किंग को मारने के लिए आए हैं। अब यह सुनते ही एक्वा बोलती है, हाँ मैं तो इस बारे में भूल ही गई थी, तो फिर जल्दी चलो हम डीमन किंग को मारते हैं, उसके बाद मुझे घर भी जाना है।
यह सुनकर काजुमा को बहुत ही अजीब लगता है। अब हमें दिखाया जाता है कि काजुमा एक जगह पर नहा रहा होता है, वहीं वह बोल रहा होता है कि एक्वा बहुत ही बड़ी बेवकूफ है और मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई गॉड भी इतनी बड़ी बेवकूफ हो सकती है। वैसे भी अब हम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि टाउन में जितने भी मॉन्स्टर मौजूद थे गिल्ड के एडवेंचरर्स ने उन सभी को मार दिया और अब टाउन के अंदर एक भी मॉन्स्टर नहीं बचा है जिससे हम फाइट करके अपनी पावर को बढ़ा सके। अब वह नहाकर बाहर आता है तो देखता है कि एक जगह पर एक्वा बैठी हुई होती है। तभी वह उसके पास जाते हुए बोलता है, तो अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए? एक्वा बोलती है, तो फिर क्यों ना हम कोई क्वेस्ट लेकर टाउन से बाहर जाकर मॉन्स्टर्स को मारे। काजुमा बोलता है, तुम सच में बहुत बड़ी बेवकूफ हो, हम दोनों अभी लेवल 1 पर है और टाउन के बाहर काफी पावरफुल मॉन्स्टर पाए जाते हैं तो हम उन्हें नहीं मार सकते हैं। एक्वा बोलती है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे साथ एक गॉड है जो अपनी पावर का यूज करते हुए तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी तो हम दोनों काफी आसानी से सभी मॉन्स्टर्स को मार देंगे। काजुमा बोलता है, मुझे तुम्हारी बात सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ मिलकर यहाँ पर काम करने को तैयार हूँ। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।